भागलपुर के सुल्तानगंज कृष्णानंद स्टेडियम में विकास मंत्री संघ, शिक्षा सेवक संघ एवं तालीमी मरकज शिक्षा सेवक संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार सरकार के कल्याण मंत्री रत्नेश सदा का स्वागत, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू जिला महिला अध्यक्ष विष्णु बिहारी और जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास सहित जदयू के कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं इस दौरान प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रेणु देवी सहित जदयू के कई नेताओं का स्वागत विकास मंत्री संघ, शिक्षा सेवक संघ और तालीमी मरकज शिक्षा सेवक संघ के द्वारा अंगवस्त्र एवं बुके देकर किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मंच संचालन शिक्षा सेवक संघ के जिलाध्यक्ष निगम मांझी ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विकास मंत्री संघ, शिक्षा सेवक संघ और तालीमी मरकज शिक्षक सेवा संघ की ओर से उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ अनुकंपा पर नौकरी सहित कई मांग भी मंत्री के समक्ष रखी गई। इसके अलावा जनसभा में पहुंचे महादलित परिवार के लोगों ने भी मंत्री के समक्ष पीसीसी सड़क निर्माण, भूमि और आवास से जुड़ी समस्या को रखकर निदान करने की मांग की। वहीं जदयू नेताओं ने आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया और बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की बात कही। वहीं अपने संबोधन में कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। मंत्री ने केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने जमीन उपलब्ध होने पर आवासीय विद्यालय, कॉलेज में छात्रावास और पंचायत भवन बनाने की बात कही। जमीन हम दिखवा लेते हैं, जमीन मिल गई, जमीन दिखवा लेते हैं। एक आवासीय बालिका विद्यालय दे रहे हैं, एक बालक विद्यालय। 2024 की क्या तैयारी है सर? 24 की हमारा लड़ाई थोड़े है, नीतीश कुमार के लड़ाई में SC ST अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की लड़ाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदी गांव में मुर्गी फार्म व्यवसायी निरंजन कुमार के साथ गांव के दबंगों द्वारा बंदूक की नोक पर छिनतई और बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुर्गी फार्म व्यवसायी निरंजन कुमार से दबंग युवक ने छिनतई कर उसके साथ मारपीट की एवं मौके से फरार हो गया। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल व्यवसायी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल व्यवसायी के पिता शत्रुघ्न ठाकुर ने बताया कि गांव के दबंग युवक विनीत कुमार शर्मा, सुमित कुमार शर्मा और मनीष कुमार शर्मा के द्वारा उनके पुत्र निरंजन से 1,00,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन रंगदारी नहीं देने पर देर शाम इन लोगों ने गांव में ही घात लगाकर मुर्गी फार्म व्यवसायी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त निरंजन कुमार मुर्गी फार्म का कलेक्शन कर घर जा रहे थे, जबकि दबंगों के द्वारा 86,000 रुपए कैश और 2 भर सोने का चैन गले से छीन लिया गया और बंदूक के बट से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इधर पीड़ित व्यवसायी के द्वारा लिखित आवेदन देकर सुल्तानगंज पुलिस से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है, जबकि पुलिस मामले को लेकर चिंताई करने वाले दबंग युवकों की गिरफ्तारी में जुट गई है। आज सुबह 11 बजे जब हम तगादा मार के हम पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार, पिता शत्रुघ्न ठाकुर। कहाँ घर हुआ? ग्राम मस्जिद। सुबह का कलेक्शन जब करके हम घर जा रहे थे तो विनीत कुमार, उसका भाई सुमित कुमार, उसका फुफेरा भाई मनीष कुमार शर्मा, तो वो तीनों 11 बजे मुझसे रंगदारी मांगा। कितने का रंगदारी? बोला कि हमको भाई 1,00,000 रुपया दो, क्योंकि तुम बहुत पैसा कमा रहा, घर मकान अच्छा बना लिया है तुम हमको 1,00,000 रुपया दो। तो हम बोले भाई तुम मजाक क्यों कर रहा है, ये सब मजाक मत करो, ये सब तुम लोग भाई अगर ये सब गांव घर में रहने वाला लड़का अगर ये सब करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं शाम को मतलब फिर कलेक्शन करके घर जा रहा था तो लमसम संध्या 7 बजे लमसम वो घात लगा के बैठा हुआ था। कहाँ पे? काली स्थान के पास। कहाँ? मस्जिद में। जी जी, घर के पास ही घात लगा के बैठा हुआ था। तो मेरे पास लमसम 86,000 रुपया पैकेट में था और गले का चैन, ये दोनों हमसे छीन लिया। कौन? सुमित कुमार।
वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दो दिवसीय मेगा इवेंट वेब मीडिया समिट 2023 सह आम सभा की बैठक पटना में आयोजित की गई। इस दौरान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. माधो सिंह और अमिताभ ओझा की अध्यक्षता में रविवार को एक होटल में आम सभा की बैठक कर नई कार्यकारिणी का चुनाव भी सम्पन्न कराया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में आनंद कौशल एक बार फिर से राष्ट्राध्यक्ष और डॉक्टर अमित रंजन दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव निर्वाचित हुए, जबकि दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के पद पर अमिताभ ओझा निर्वाचित हुए हैं और मंजेश कुमार राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव के तीन पदों पर चंदन कुमार, सूरज और विवेक कुमार निर्वाचित हुए, जबकि उपाध्यक्ष के पांच पदों पर डॉक्टर माधो सिंह, संजीव आहूजा और डॉक्टर लीना निर्वाचित हुई हैं और उपाध्यक्ष के दो पदों पर फिलहाल जगह रिक्त हैं। धीरज कुमार को कार्यालय सचिव बनाया गया है। इधर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पांच पदों में से तीन पदों पर मिथिलेश मिश्रा, नलिनी भारद्वाज और शैलेंद्र झा का निर्वाचन हुआ है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के 23 पदों में से 10 पर गौतम गिरियक, रामबालक राय, संजय कुमार पांडे, निशांत राज, विजय कुमार सिन्हा, चंदन कुमार चंचल, राजीव रंजन, अब्दुल हकीम, आजाद कुमार भारती और अमित कुमार निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा संरक्षण मंडल में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत का मनोनयन किया गया, जबकि पंकज प्रसून को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बालकृष्ण कुमार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इधर आलोक कुमार सिंह एवं संगीता सिन्हा को बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, अनूप नारायण सिंह को महासचिव, आदित्य कुमार को प्रदेश सचिव और रीता सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जर्नलिस्टों का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया है, मैं एक डेटा देख रहा था, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। कल ही आपके मैं देखा, जब आपके प्रोग्राम में आने का ये मौका मिला तो मैं डेटा देख रहा था। ये डेटा कुछ दिन पहले आया है, कोई दो कंपनी है, कंटार और गूगल ने मिल करके भारत में एक सर्वे करा और उसके रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधे से अधिक इंटरनेट यूजर अब न्यूज ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन समाचार प्राप्त करते हैं। और इस रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और है कि ऑनलाइन जो न्यूज कंज्यूम करते हैं वो उसमें 37% शहर के हैं और 63% गाँव के हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मसदी पंचायत शिवनंदनपुर मुसहरी निवासी कविता देवी के साथ उनके पति जेठ जेठानी और देवर के द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर कविता देवी के द्वारा दिए गए आवेदन में उनके पति संजय यादव, जेठ अंकेश यादव, जेठानी चंदा देवी और देवर गौतम यादव पर मारपीट करते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर पीड़िता कविता देवी ने कहा कि उसे दो पुत्री है और उसके पति संजय यादव का अवैध संबंध का विरोध करने पर उसके पति समेत सभी आरोपियों ने मारपीट कर प्रताड़ित किया और जान से मारने की धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं कविता देवी का कहना है कि इस घटना की शिकायत मुखिया और सरपंच से करने पर भी आरोपी पक्ष की ओर से उसे प्रताड़ित एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह काफी भयभीत है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अपने के साथ खानों पति ने तो मारे चलो अपनो लहरा लगाओ। क्या नाम आपका? कविता देवी। कहाँ घर आपका? शिवनंदनपुर मुसहरी टोला। वही शादी हुआ है? हाँ। कब हुआ? 2001 ईस्वी में शादी हुआ। किससे? संजय यादव से। अब क्या कर रहा है? खेती गृहस्थी भैंस गाय, खानो खर्चा मंगाई छे, साबुन सरफ तक नहीं छे, कहूँ से मदबो क्यों किच के धर्मशाला चलो जो लहरा। खानो बनबै भी छियै, चावल दाल एक किलो नहीं बनबै, चारा दिन तो भात बनेबै एक डेची में खद्दा चौपेट में। मारपीट करता आपके साथ? हाँ। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत प्रियदर्शनी विवाह भवन में युवा राजद की ओर से ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा अध्यक्ष मुकेश यादव ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार से संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना की मांग की जा रही है,
जबकि महंगाई एवं शिक्षा नीति के खिलाफ आयोजित ग्राम चौपाल में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाजें बुलंद की। मुकेश यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बढ़ती महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और जाति जनगणना की जानकारी के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, पूर्व विधायक रामविलास पासवान, तिरुपति नाथ यादव और युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद बशारुल हक सहित काफी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सबौर रोड रानी तालाब स्थित शकुंतला इनक्लेव में पिज्जा बर्गर के अधिकृत कैफे चौक लिशियस का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस दौरान कैफे के प्रबंध निर्देशक राजेश कुमार, डॉक्टर मयंक सक्सेना, डॉक्टर आयुष सक्सेना, शाम्बी और राखी कुमारी ने चौक लिशियस कैफे का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं इसको लेकर कैफे प्रबंध निर्देशक राजेश कुमार ने कहा कि यह कैफे पुणे की फ्रेंचाइजी है जो डिलीशियस एवं क्वालिटी का पिज्जा बर्गर समेत अपने सभी तरह के शेक फ्राई उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए ग्राहकों को 10% तक की छूट कैफे में दी जाएंगी। मौके पर रंजय कुमार सिंह, कुमार शांति, ललिता देवी और अनीता देवी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुल्तानगंज के मिरट्ठी पंचायत भवन में सरपंच संघ की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सरपंच संघ के अध्यक्ष विमल किशोर यादव ने की। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सरपंच संघ की प्रदेश कमेटी के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में रथ निकाला गया है। वहीं आगामी 6 नवंबर को रथ का स्वागत भागलपुर जिला मुख्यालय में करने को लेकर विचार विमर्श के बाद सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार द्वारा उनकी 11 सूत्री मांग पूरी नहीं की जाएगी तो प्रदेश सरपंच संघ के निर्देश पर एक साथ पूरे बिहार के सरपंच, उप सरपंच और पंच अपना इस्तीफा देकर सरकार का बहिष्कार करेंगे। मौके पर सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष महेंद्र शर्मा के अलावा भीरखुर्द, मिरट्टी, धांधी बेलारी समेत कई सरपंच, उप सरपंच और पंच मौजूद रहे।